गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ सुबह हो चुकी है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी, तो कुछ नया बनाने जा रही हूँ। मतलब वैसे मेरे घर में बनता रहता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो कुछ नया ही है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि आप भी संडे इंजॉय करो, मंडे इंजॉय करो। बहुत ही ईजी रेसिपी होने वाला है और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। बच्चों का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं 7वीं के लिए बनाने जा रही थी, तो सोचा हम भी खा लेते हैं, और हम खा रहे हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो उसकी रेसिपी अभी आपको देखने को मिलेगी। और आज एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है, नया कोई ऐड होने वाला है हमारे घर में। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपका परिवार बड़ा होता है। तो आपको आज इस ब्लॉग में यही सब देखने को मिलेगा। पहले मैं आपके साथ एक इस रेसिपी को शेयर करती हूँ, आप घर पे बनाओ, संडे इंजॉय करो, क्योंकि ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रही हूँ। और शायद आपको ये वीडियो मंडे मिले, तो संडे को छुट्टी होती है, तो आप अच्छा सा कुछ खाने का मन करता है, तो आप ये इंजॉय कर सकते हो, नेक्स्ट संडे आप बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे मौसम क्लियर है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हो सकता है मेरी ही नज़र लग गई। और यहाँ पे चारों तरफ बादल ही बादल, आज कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं, क्योंकि आज पूरे दिन ही बारिश होना है। बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। चलो हमारा क्या, हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो सैंडविच बनाने के लिए हमें ये सारे आइटम चाहिए, क्योंकि बनाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो गार्लिक चिली लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने कॉर्न और बटर लिया है। चिली मैं हटाऊंगी, क्योंकि सात्विक को चिली नहीं पसंद है। और ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। ऑयल लिया है, पालक लिया है मैंने, ऑरिगैनो लिया है, गार्लिक हर्ब्स लिए हैं, मिक्स हर्ब्स लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं, और ये बर्गर सॉस लिया है। तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हो, सेज़वान सॉस भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जैसी मर्ज़ी। और मैंने चीज़ लिया है, और ये मैंने लिया है ओट्स को, मैंने ग्राइंड कर लिया है, 2 चम्मच ओट्स लिया था। मैं इसका सॉस बनाऊंगी। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेल्दी बना रही हूँ तो ओट्स बेस्ट है। तो इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप के करीब मैं ऑयल डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 10-15 ग्राम के करीब बटर, क्योंकि अगर बटर आप ऐसे ही डालते हो ना पैन में, तो वो जल जाता है। तो ऑयल के साथ डालोगे तो नहीं जलेगा, और सॉस में अच्छा फ्लेवर बटर से ही आता है। तो मैंने बटर डाला है इसमें। अब हम इसमें जो हमारा गार्लिक और ग्रीन चिली था वो ऐड करेंगे। अब ग्रीन चिली एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये ग्रीन चिली मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं लास्ट में हटाने वाली हूँ, क्योंकि स्पाइसी हो है बहुत ज़्यादा है यहाँ का ग्रीन चिली। फिर मैं इसमें जो थोड़ा, देखो गार्लिक ब्राउन हो गया ना, तब हम इसमें ओट्स का आटा डालेंगे, और इसे मतलब 10 सेकंड के लिए ही भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। ये कॉर्न मेरा फ्रोज़न वाला है, आप फ्रेश कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं इसको, देखो ये अच्छे से हो गया है, इसमें आप घबराना मत, ये कोई लम्स नहीं आने वाला। फिर मैंने इसमें पालक ऐड किया है। पालक ऐड करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, आप देखोगे। तो जैसे ही इस कंडीशन में आ जाए, तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब फुल फैट क्रीम मिल्क लेना, इससे सॉस बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें मैंने 1.5 से 2 कप के करीब मिल्क ऐड किया है, क्योंकि मुझे 3 से 4 सैंडविच बनाने हैं। और इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे जल सकता है। तो हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फिर हम इसमें जो भी हमारे हर्ब्स और ब्लैक पेपर वगैरह थे वो ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे, और चिली फ्लेक्स डालेंगे, और ओरिगैनो डालेंगे, और गार्लिक हर्ब्स जो था वो डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये सब डालो, जो आपको जो भी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपनी मर्ज़ी चलती है, तो आप अपना मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना मैदा की जगह ओट्स में बनाना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना टेस्टी सॉस तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने जैसा बताया, मैंने 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं 3 स्लाइस चीज़ का डालूंगी, और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसी अकॉर्डिंग आप नमक डालना, क्योंकि इस चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, तो कहीं आपके सैंडविच में नमक ना ज़्यादा हो जाए, तो अपने हिसाब से नमक डालना। सॉस को हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि इसे जलने का डर रहता है,
और ऊपर से हमने ओट्स डाला हुआ है तो ओट्स जल्दी थिक हो जाता है, तो सॉस को हमें थिक ही करना है। तब तक हम अलग पैन चढ़ाएंगे और उसमें ब्रेड को हमें टोस्ट करना है। आपके पास टोस्टर हो या सैंडविच मेकर हो तो वो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है उसमें। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इस पर काम चला रही हूँ। आप देख रहे हो धीरे धीरे ये थिक होने लगा है और बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा, क्रीमी जैसा हो जाएगा। और इसमें से मैंने हरी मिर्च निकाल दिया है, मैं ढूंढ भी रही थी हरी मिर्च, मैंने बिल्कुल निकाल दिया। फिर ये इस तरीके से हम टोस्ट कर लेंगे। आप इसमें बटर भी डाल के टोस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे बटर नहीं डालना था, मैंने इसी तरीके से इसको टोस्ट किया है। एक एक करके मैं सारा टोस्ट कर दूंगी ब्रेड को। और आप ये देखो इसकी थिकनेस देख रहे हो, यकीन मानो ये ना मैदा वाला जो सॉस बनाते हैं ना हम, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और उससे भी ज़्यादा हेल्दी, और थिकनेस में तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा होता है। फिर जो हम सॉस लेके आए थे, आप कोई सा भी, जैसा कि मैंने बोला है कि आप मेयोनी भी यूज़ कर सकते हो, बर्गर सॉस भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी आपको जो भी पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। ब्रेड पे डाल के स्प्रेड करेंगे इसे अच्छे से। अब मैं एक ही ब्रेड में लगा रही हूँ, आप दोनों ब्रेड में ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी अपनी टेस्ट है, अपना अपना मन है ना। तो मैंने एक ही ब्रेड में डाला है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता अगर आप हेल्दी बना रहे हो तो। थोड़ा सा बस फ्लेवर के लिए ही डाल रही हूँ मैं इसको। ऐसे करके एक एक करके हम सारे ब्रेड में लगा लेंगे। मेरे घर में कुछ बनता है ना तो कोई इंतज़ार नहीं करता है, गरम गरम उनको चाहिए होता है। तो इसको, लेकिन इस सॉस को बिल्कुल ठंडा कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इस तरीके से हम ब्रेड में डालेंगे और ब्रेड को अच्छे से चारों तरफ से लगा के इसको दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे। और आपको पता है जो थोड़ा सा बचा था ना मेरे, मतलब ज़्यादा बन गया था तो बचा जो था वो अनिल ने ऐसे ही खा लिया। अनिल को इतना पसंद आया, तब ज़्यादा अच्छा था। ये ठंडा जितना होता है ना उतना क्रीमी होता है। तो आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हो, जैसे सुबह में टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको निकाल के ब्रेड में डाला, सैंडविच मेकर में डाला और सैंडविच बना के खा लिया। इस तरीके से मैंने कटिंग किया था। मैंने इसके ऊपर ही डाला था, वो वीडियो शूट नहीं हुआ, इसके ऊपर भी डाल के मैंने खाया। सच में इतना टेस्टी, इतना क्रीमी था ना, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करना और बनाना, और सबको सच में बहुत पसंद आएगा। और बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। सो फाइनली हमारे घर के न्यू मेंबर आ चुके हैं। ये है हमारे घर का न्यू मेंबर, कैसा लगा आपको? इसके साथ ये भी आया है साउंड बार। सात्विक, आर यू हैप्पी? ओके। तो ये था हमारे घर का सरप्राइज कॉलर, कैसा हो रखा है ना, तो कितनी खुशी मिलती है ना। जब ये सेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से, अभी तो पैक है। तो इसके साथ एक ये साउंड बार भी आया है, ये देखो। सात्विक बहुत ज्यादा खुशी का माहौल सात्विक के अंदर। हैप्पी? यस यस।
सीक्रेट एलेक्सा हमारे पास नहीं है, बिक्सी है हमारे पास, बिक्सी का है हमारे पास, किसी में होगा सिस्टम बंद हो गया, स्किप करो अभी, यूट्यूब लगाओ अभी, बाद में हम सेटिंग करेंगे, यूट्यूब लगाओ पहले, ओके तुम नहीं बोलोगे कुछ यूट्यूब पे, पहले गणेश जी की आरती होगी, ठीक है टीवी क्या है, टीवी ये इस पे सीरियल्स वगैरह आते हैं, सारी मूवी सीरियल्स, चलो आई लाइक दिस वन, पीछे जाओ पीछे पीछे, YouTube आता है ऐसे, अरे नहीं यार वो सेव करा सेटिंग्स बंद कर दे ओपन व्हाट्स दैट ओपन दे रहा है Yes. Uh-oh. Good. बारिश फिर से स्टार्ट. The first of that is the play. I like it. You know. So okay, mama. यहाँ पे हमने सबसे पहले गणेश जी की आरती लगाई, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है ना भगवान के आशीर्वाद से ही होता है, और भगवान को ही पता है कि हम कितनी मेहनत करके कुछ भी चीज़ों को अचीव करते हैं, वो हम तीनों को पता है, मुझे अनिल को भगवान को, तो घर में कुछ भी आता है ना हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कल ट्यूसडे है तो कल हमारे घर में पूजा भी होगा सारा सामान आने की खुशी में, से थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हाथ जोड़ के करो, बोलो थैंक यू भगवान जी, आई लव यू, गणेश जी, गणेश जी, आरती, और यहाँ पे अनिल ने हमारा ब्लॉग लगा दिया, यार बड़ी सी टीवी पे देखने का मज़ा ही कुछ होता है, अलग ही होता है, तो हम अपना ब्लॉग देख रहे थे यहाँ पे, एक और सरप्राइज अनबॉक्सिंग होने जा रहा है, ये तो आपके लिए सरप्राइज था ना? हाँ ये मेरे लिए भी सरप्राइज ही था, क्योंकि मुझे लगा एक ही चीज आने वाला है, आपने दो ऑर्डर किए थे, यस नाइस, आपको शौक है ना बहुत, तो फिर इसे मुझे शायद मंदिर के पास लगाना हो, नहीं यहाँ भी तो टीवी है, ये टीवी के अलावा क्या ही चलेगा, देखते हैं कैसा है ये डिजाइन इसका, मुझे लगता है ऊपर वाला नहीं वो खोलना पड़ेगा आपको, अच्छा वो अलग है क्या ज्यादा बड़ा नहीं हो गया इसका, रखेंगे कहाँ इसको, मैं तो मंदिर के लिए सोची थी, मंदिर के लिए छोटा स्पीकर ठीक है ना जो हमारे पास है, ये तो ये आप उन्होंने उल्टा खोला है शायद, हम अपना ब्लॉग भी एंजॉय कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, सेट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
सो गाइज मैंने सोचा स्पीकर में कल सेट करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर। तो आप बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सच में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मानती हूँ कि नई हूँ, थोड़ा सा कुछ तो होता मतलब कुछ तो गलत हो ही जाता होगा मेरे से, लेकिन इन सब चीज़ को आप भूल के मेरा ब्लॉग पूरा देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में आज का मौसम भी इंजॉय करो आप। बाय बाय।